बैठे हुए हैं भाई। ब्रेक वाले को मार लास्ट है उनके भाई। वो फूल जो है ना, वॉच आउट, अंदर ही वाइब दे रहा, वाइब दे रहा भाई। ने Tamam. Mere paas hai. Nimra. Yellow squad, yellow squad, finish him. Thank you. हाँ मैं खुद ही खेलता हूँ अपनी आईडी से भाई। थैंक यू। नहीं वो पता ही नहीं चला जल्दी। अच्छा हाय भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रेलर पे मज़ा उठा लिया होगा, तो अगर मज़ा उठाया है उसी के साथ साथ मुझे भी मज़ा कराओ और वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप चैनल पर न्यू हो लाजमी चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब आते हैं भाई मेन मुद्दे की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया, जब इतना इंतज़ार कर लिया थोड़ी देर और भी इंतज़ार कर लो, हम अपनी दुख भरी दास्तान की तरफ आते हैं। हर फाइट का एक तरीका होता है और हर फाइट के लिए ना काफ़ी वेट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी फ़ाइट हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे टीममेट ने इस बंदे को मार दिया, तो खैर इसको मैं जैसे ही नॉक करता हूँ ना, एफएम क्लैन के बंदे थे, अभी ये रियल है या फेक है आई डोंट नो, दो बंदे के जैसे ही नॉक होते तीसरे बंदे की लोकेशन मुझे स्पॉट थी और ऑलरेडी जो है दुखती रग इस टीम की हमारे हाथ में आ चुकी थी, ठीक है। तो इन तीन को मारने के बाद सामने मुझे और बंदे स्पॉट हो रहे थे, जल्दी जल्दी से मैं इनकी किल सिक्योर करता हूँ। अब जो इंटेंस सिचुएशन होने वाला है और इंटेंस सिचुएशन के बाद जो 1v4 क्यों आपको मैचेस करवाने वाला हूँ, आय हाय 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 हाय। तो जंप जब मैं मारता हूँ यहाँ पर होती है आग। अब आग से छुटकारा पाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और आपका भाई यहाँ पर हो जाता है 1 HP। उसी के साथ साथ मेरे टीममेट्स पे भी आप फोकस करो, मेरे टीममेट्स भी मर रहे हैं, दोनों नॉक हो चुके हैं, मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ। राइट कान से भी गोलियों की आवाज़ आ रही है, लेफ्ट कान से भी गोलियों की आवाज़ आ रही है, मतलब कि राइट लेफ्ट पे दोनों बंदे बैठे हुए, और मज़े की बात मेरे पास कोई हीलिंग सी नहीं है। हैरान परेशान के जाओ तो जाओ कहाँ, नेड करूँगा, सामने पुश करूँगा, इधर वाले मारेंगे, इधर नहीं जा सकता, 1 HP है, दुख ही दुख है। तो जितने भी बूस्टर्स पड़े थे वो मैंने प्रॉपर लगा लिए और मैंने वेट कर लिया जब तक मेरी कम अज़ कम आधी हेल्थ नहीं होती। मैं यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ, फिर जाके मैं पुश कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने नेड्स किए, नीचे बंदे थे कि मैं भी कोई ना कोई पुटे, ना वो पुश कर रहा ना मैं पुश कर रहा, वो मुझसे डर रहे मैं उनसे डर रहा हूँ। उनका ये ख्याल है कि MK जो है प्रो के लड़ा है मार देगा, लेकिन यहाँ पर हमारी खुद की हाथ में आ चुकी थी। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जब सारा मामला समझ में आ गया और हेल्थ समझ में आ गई, तो इतने में एक बंदा मुझे नज़र आया कि वो यहाँ पर TPP ले रहा था। अब इस बंदे को मैं जैसे ही नॉक देता हूँ ना, तो फिर अब मैंने कहा कि ऑन द स्पॉट इस टीम पर पुश किया जाए। अब यहाँ पर ज़रा सीन देखो, वो जो कहते हैं कि तुम्हारे सीने की गोलियाँ मैंने अपने सीने पे खा ली है, तो वो ये सूरत हाल था।
जब फर्स्ट टाइम मैंने फायर किया मेरे जो सारे बुलेट है यार, इस डोक वाले को पट गया साला, मज़ा ही ख़राब कर दिया। तो खैर मैं जैसे ही ना लैंड करके नीचे ज़मीन पर आता हूँ ना, औकात से ज़्यादा ऊपर चले गए थे फाइट लेने के लिए, तो नीचे जैसे आता हूँ ना मेरा एक टीममेट मर चुका था, तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको रिकॉल किया। और अब पुचिंकी में बंदे, तो हम पुचिंकी की तरफ जाने ही वाले थे, इतने में भाई गाड़ी नज़र आती है। किस्मत की बात चेक कर लो, गाड़ी लेफ्ट से गई लेकिन ये बंदा राइट पे आ गया। इसे कहते हैं कि भाई ओ लकड़ी तू क्यों जमीन पे बैठी है, बकाया आगे समझ जाओ, समझ आ रही है। तो अब आते हैं भाई मेन फाइट की तरफ। ये है हमारे हाउ ब्रांड की वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी जो इन्होंने अपने यूट्यूब पर पोस्ट की है, और माशाल्लाह से 27 KD ऑलमोस्ट कॉन्करर लगा लिया था। तो सबसे पहले इनका POV देखते हैं। पीछे निकल जा। थैंक यू। बस बस अब आपको सारी कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। उठा लो फिर एक कलम और कापी और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट करते जाओ। देखो आपको एक 1v4 सिचुएशन हाउ ब्रांड बाई पर मिलेगा, और उसके साथ साथ आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी 27 KD कॉन्करर, और मेरी भी KD होगी ऑलमोस्ट 24-25 KD कॉन्करर। ठीक है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे जो है मिडल ईस्ट की रैंकिंग में जो मेरे ख्याल से हाईएस्ट KD वाला पहला बंदा हमारा हाउ ब्रांड भाई था, दूसरा या तीसरा मैं था, और दूसरे या तीसरे का मुझे नहीं था पता किन में से दरमियान में कौन आ रहा है। ठीक है, अब आप इमेजिन कर लो जब दो हाईएस्ट KD कॉन्करर प्लेयर्स आमने सामने हो और दोनों को किल्स चाहिए हो, तो सोचो जब एक तरफ से भी 40 किल्स निकले और दूसरी तरफ से भी 40 किल्स निकले, तो ये लोबी तो परेशान हो रही होगी कि साला ये हो क्या रहा है, हमारे साथ तो अंतिम संस्कार हो रहा है। तो खैर ये वही गेम है, स्टार्ट भी मैंने इनके टीममेट का जो है वो प्लेन पाथ पे नाम देख लेते और मुझे समझ आ गया था कि हाउ ब्रांड भाई हमारी लॉबी में आए हुए हैं। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि आए हुए हैं फाइट लेना है, सबसे बड़ा मसला ये है कि कौन सी टीम कितने ज़्यादा किल्स निकालेगी। क्योंकि आप सब ने देखा होगा जब दो यूट्यूबर्स एक लॉबी में आते हैं तो उसमें मसला ये होता है कि भाई एक टीम ज़्यादा किल्स निकालती है, अगले टीम जो है होल्ड करती है। अब ये इवेंट की फाइट है और यहाँ पर मैं जैसी बंदा नॉक करता हूँ फिनिश करता हूँ, तो मेरे साथ सीन देखो। ये देखें गलत बात है। तो फर्स्ट बारी में जो है ब्रांड भाई ने मौके पे चौका मार के हमारा जो किल मैसेज है वो कलम कापी में इसने दर्ज कर लिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई कौन सी टीम के ज़्यादा किल्स होंगे और कौन निकालेगी चिकन डिनर। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा भी होगा 1v4, अब इस कन्फ्यूजन में हम जो है किल्स करने रवाना हो जाते हैं। हाउ ब्रांड भाई भी बंदे मार रहे हैं और हमने भी जो है दे मार 4.5 रुकने वाला सीन नहीं करना था, क्योंकि हम जो है यूट्यूबर से पहले दोस्त थे। ठीक है, यूट्यूब अपनी जगह, यारी दोस्ती अपनी जगह, किसी को कोई टारगेट वारगेट वाला सीन नहीं होता है भाई, किल्स निकालना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर पहुँचते ना ब्रांड की टीम होती है, दोनों गन्ने रीलोड पे लग गए। वॉच आउट। ओ रिवाइव हैवी, लास्ट पे रिवाइव दे रहा इधर। वॉच आउट, दोनों गए। तो इस फाइट के जो विजेता है वो हमारे मुर्तजा भाई हो जाते हैं। एक दफा से हैशटैग मुर्तजा ओपी इन द चैट हो जाए, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुर्तजा ओपी के साथ DBS भी जो है किसकी भी कोई तारीफ हुई जाए, क्योंकि DBS ऑन टॉप हमेशा रहता है और DBS के सामने कोई भी नहीं चलता। DBS ये नहीं देखता कि ये हाउ ब्रांड है या MK गेमिंग है या फ्ला है या डिमका है, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है कि भाई आप लोगों ने अक्सर यूट्यूबर्स की फ़ाइट देखी होगी, जब एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से मरता है तो फिर वो जो मरा हुआ होता है वो प्रॉपर तरीके के साथ वेट करता है कि भाई एंड में फाइट लेंगे और किल्स को इग्नोर करता है। हमारा ऐसा सीन नहीं है,
जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूबर हम पहले थे, मतलब दोस्त हम पहले थे, यूट्यूबर बाद में बने हैं, समझ आ रही है। हमारी जो सलाम दुआ है वो यूट्यूबर बनने से पहले ही हुई है, तो हमने इस चीज़ को इग्नोर करने के साथ साथ अपने कंटेंट पे फोकस किया। यहाँ से मैं बंदे मार रहा था, यहाँ से ये हाउ ब्रांड भाई बंदे मार रहे, मतलब जो है इन शॉर्ट लॉबी की हमने ऐसी की तैसी कर दी। आलमोस्ट 70 से 75 किल सिर्फ हमने निकाले हैं, तो सोचो बकाया कि जो बंदे हैं वो क्या करेंगे कि साला ये तो हम जलील हो रहे हैं। ये दो यूट्यूबर्स आपस में आ गए और दोनों तपे हुए हैं, दोनों ने केडी मेंटेन रखनी है भाई, किसी ना किसी का जो है गेम ख़राब नहीं करना था। मैंने, मेरे दिल में ये चीज़ नहीं था कि भाई मैं इनको शुरू में मार लूँ और फिर जाके मैं टारगेट करके इनको इनको मार के इनकी केडी ख़राब करूँ, और उसी के साथ साथ वो भाई भी यही कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल कट चुका है, अगर हमारी जगह कोई और होते तो एक किल के लिए लालच नहीं करते और एक किल लेने के लिए नहीं आते, क्योंकि हमने भाई ये नहीं देखना था कि सामने कौन है, बस हमने अपने किल सिक्योर करने थे और अपने कंटेंट पे फोकस करना था और अपनी केडी को मेंटेन रखना था, ठीक है। यहाँ पर आपके भाई के 25 किल जो गए वापस जो है रिच पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम रिच पर आए हैं, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट फाइट देखी थी जो मैं इवेंट पे मरा, वो समझो फेयर फाइट नहीं थी, हमें कोई आइडिया नहीं था हाउ ब्रांड ने मारा था। और इसी के साथ साथ यहाँ की जो आप फाइट देखोगे ये भी कोई फेयर फाइट नहीं है, जो कि अभी हम इन पे जो है छापा मारेंगे। देखो छापा जो है वो पर गलत टाइम पर पड़ता है, हाउ ब्रांड भाई आपने हम पे छापा मारा था लेकिन हम आप पर छापा मारेंगे। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि आप लोगों ने बस आगे सबर करना है। तो बंदे जैसे स्पॉट होते ना, पहला मैं प्रॉपर स्प्रे मारता हूँ, गाड़ी में कोई बंदा भी बैठता नहीं, मुझे ये आइडिया था कि गाड़ी में बैठेंगे दो चार तो उतार दूंगा। इतने में मुर्तजा साहब एक नॉक कर देते हैं और ब्रांड की मुंडी भी मुझे नज़र आती, तो ऑन द स्पॉट इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। अब इस सिचुएशन में इनके तीन बंदे नॉक हो गए और एक जो बंदा था ना वो फिनिश हो जाता है, मतलब कि एक जो है मौके पर जो है ज़ख्मी हो गया और जो है सांस उसने जो है रोक ली, और तीन बंदे रह गए, तीन में से भी दो बंदे जो है ज़ख्मी है और सिर्फ एक बंदा है जो कि इनकी ट्रीटमेंट कर रहा है। इसी दौरान जो है आपके भाई में बारिश और ख़ारिश वाला सीन जाग उठा और पुश के साथ साथ आपके भाई ने यहाँ पर नेड कुक किया। अब मुझे ये लग रहा है कि बंदा पहले वाले स्मोक में है, उसी हिसाब से आपके भाई ने परफेक्ट नेड किया, ठीक है। तो नेट जब मैं करता हूँ ना ये ब्रांड साहब ने अपने दो बंदों को स्ट्रैटेजी के साथ ऊपर रिच पर भेज दिया और ख़ुद नीचे बैठा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। पहले बंदे से जो है मैं 1v1 की फ़ाइट विन कर लेता हूँ, उसी के साथ साथ मुर्तजा भी अपनी 1v1 की फ़ाइट विन करता है और फिर से जो है मौके पर छापा मार लेता है हाउ ब्रांड। मतलब अगर आप देख लो कि भाई किस्मत इतनी ख़राब थी कि ना तो हाउ ब्रांड का सही कॉन्टेंट निकल रहा था और ना ही मेरा, कि जिसमें चस वटा चस वाली फ़ाइट जो है आ जाए। अब मसला ये है कि चिकन डिनर कौन ले जाएगा, क्या सिचुएशन होगा। मोल्टोव आप देख रहे हो, हवाई मोल्टोव आ रहे हैं, पहला मोल्टोव आया और दूसरा मोल्टोव भी हवाई आ रहा था, लेकिन हमारे टीममेट में फिर से बारिश और ख़ारिश जाग उठी, मुझे छोड़ के जो है फाइट लेने लग गया। इसकी माँ का मजे ही मजे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे टीममेट ने गलती की, वहाँ पर आप लोगों ने देख लिया गन पावर, लेकिन दिमाग पर जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, तो यहाँ पर हम दोनों मर जाते हैं और हाउ ब्रांड जो है हमारे टीममेट को मार लेता है। अब मसले की बात यह है कि चिकन डिनर कौन ले गया, और यहाँ पर तो लाजमी बात है भाई मेरे किल्स सिक्योर हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ हमारे चाचा जी जो है वो सर्कल के बाहर खड़े थे, इनका एक बंदा ऑलमोस्ट वो लिट था, इसको भी जब ये नॉक करते हैं ना, अब आप लोगों ने बस किल फीड पे गौर करना है। अब यहाँ पर इनके दो टीममेट्स हैं, इनमें से भी एक बंदा चाचा जी नॉक कर लेते, और लास्ट बंदा हाउ ब्रांड भाई रह गए थे जो कि कारपेट पे ऊपर सर्कल की तरफ जा रहे थे, और अब आप लोगों ने आगे किल फीड पे गौर करना है। हाउ ब्रांड जो है वो ख़ुदकुशी कर लेते। उसका रीज़न ये था कि भाई तीन से चार बार हमारी फ़ाइट हुई और तीन से चार बार फाइट में कोई चस वटा चस वाली फीलिंग्स नहीं आई। पहले भी जो है फ़ाइट का यही सीन था, दूसरे में जो है मुर्तजा ने चस उठा लिए, हमने कोई चस नहीं उठाई, और इसके बाद आगे यहाँ का सीन आप लोगों ने देख लिया, समझ आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे पूरी टीम के 40 किल्स थे, और उसी के साथ साथ अगर आप जो है हाउ ब्रांड के भी देख लो तो उन्होंने भी तकरीबन सेम किल्स किए होते एक मैच में, तो 80 से 70 किल जब हम कर ले तो बंदों पे क्या गुजर रही होगी। तो ये थी दो हाईएस्ट केडी कॉन्करर प्लेयर्स के आपस की फ़ाइट, ठीक है। हमारा कोई वो यूट्यूबर वाला सीन नहीं था कि भाई एक दूसरे को टारगेट करके मारना, बस हमने अपनी केडी मेंटेन करना था, मैच था अच्छा गया। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी मार दो, और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने हाउ ब्रांड भाई की वीडियो नहीं देखी तो जाके उसके चैनल पे लाजमी चेक कर लो, 27 केडी के साथ उन्होंने भी कॉन्करर लगाया, अप्रिशिएट लाजमी।